सोचिए कि क्या कभी एक कंपनी, एक छोटे से देश की साधारण सी कंपनी इतनी ताकतवर हो सकती है कि सारी दुनिया को अपने बस में कर ले, जिसे चाहे गद्दी पर बिठाए, जिसे चाहे उसे गद्दी से हटाए, वो जो चाहे वो करे, वो जो चाहे वो लोग करें, वो जो चाहे वो लोग सोचें। ये हम सबके लिए अजूबा होना चाहिए कि कैसे एक छोटे से टापू के मुट्ठी भर लोग अपने घरों से निकल निकल कर दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर न सिर्फ कब्जा कर लेते हैं बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर सदियों तक नचाते रहते। सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों में हमें केवल अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ही याद आती है। यह अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी सारी दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनियों को एक एक करके खा गई। जो भी अंग्रेजों का रुतबा रहा है उसकी तह में छुपी हुई है उनकी एकता, उनकी बला की जिद, किसी भी काम को नाकाम न होने देने की प्रतिज्ञा, उनकी व्यवस्थित तरीके से काम करने की आदत, उनका अनुशासन दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, उनका साफ सुथरा रहन सहन, और सबसे ऊपर है एडवेंचर या रिस्क लेना, जिसका न तो भारत की संस्कृति में कहीं कोई पता है और न ही यहाँ की संस्कृति में। पिछले एपिसोड में हमने देखा पहले पुर्तगाली हिम्मतवर यात्रियों ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत का रास्ता ढूंढा और उस पर कब्जा भी किया। पुर्तगाल के हाथ में था अफ्रीका के पार भारत और स्पेन के पास था अमेरिका के पार भारत। लगभग एक सदी तक ये दोनों सारी दुनिया भर के समंदरों में आपस में खिचड़ी पकाते रहे। किसी दूसरे यूरोपियन देश को कोई खास मौका नहीं मिला। फिर 16वीं सदी के अंत में पुर्तगाल और स्पेन को छकाते हुए अंग्रेजी जहाज भारत पहुंचने लगे। पुर्तगाल और स्पेन ने जो भी किया वो सरकारी कारनामे थे जिसमें पुर्तगाल और स्पेन की सरकारों का हाथ था, उसके इशारों पर ये काम किया जा रहा था। उसके ठीक उलट इंग्लैंड में कुछ और ही सोच चल रही थी। वहां राजा केवल इजाजत भर देता था और व्यापारी अपनी अपनी कंपनियां बनाकर काम करते थे। भारत में जैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कंपनियां व्यापार करती थी। इन कंपनियों का मॉडल आज तक चला आ रहा है। कंपनी रजिस्टर होती है, मतलब सरकारी इजाजत मिलती है। मालिक वो होता है जो पैसा लगाता है, मतलब शेयर होल्डर। जो कंपनी चलाता है वो मैनेजर होता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी होते हैं कारिंदे। तो कंपनी के मालिक एक तरफ और कर्ता धर्ता दूसरी तरफ, दोनों ही अलग अलग होते हैं। यही मॉडल आज भी लागू है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मॉडल पर बनी थी। इसके शेयर होल्डर्स इंग्लैंड में थे, इसके डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंग्लैंड में थे, हेड ऑफिस लंदन में था। जो हमारे सामने भारत में आए वो कंपनी के कारिंदे मात्र थे, कंपनी के सेवक, कंपनी के एम्प्लॉइज। सन 1600 में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम नहीं था, सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स मिलाकर इंग्लैंड का राज्य बनाते थे। स्कॉटलैंड अभी लंदन से नहीं चलाया जाता था। इस वक्त इंग्लैंड पर राज था महारानी एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ पहली। इनके शासन काल में इंग्लैंड ने जिस राह पर कदम रखा उस पर चलते हुए वो अजेय बन गया, एक ऐसी ताकत जिसने धरती की हर हस्ती को अपने सामने झुका दिया। इंग्लैंड ब्रिटेन बना, फिर उसमें आयरलैंड भी आ मिला। जैसे जैसे इसके नाम बदलते गए उसके झंडे भी बदलते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और झंडे भी बदलते गए। तो 1707 से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, फिर वो बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आयरलैंड के मिलने के बाद यूनाइटेड किंगडम का झंडा बदल गया, इसलिए कंपनी का झंडा भी बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर क्यों बनी? इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ की इजाजत से भारत और ईस्ट इंडीज का माल लाने के लिए ये कंपनी बनाई। जिन्होंने पैसा लगाया वो बन गए मालिक, जो कंपनी चलाते थे वो बन गए मैनेजर और डायरेक्टर, और वो बनाते थे गवर्नर जनरल या गवर्नर जो भारत में कारनामे करते रहते थे। अंग्रेज सरकार दूर बैठकर बांसुरी बजाती थी और कंपनी को बचाती रहती थी। ये कंपनी केवल व्यापार करती थी,
भारत से माल उठाया और उसे इंग्लैंड या अन्य देशों में ले जाकर बेच दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से आखिर इंग्लैंड क्या क्या ले जाया करती थी? पुर्तगाली तो बेचारे गरम मसालों से ही खुश थे, लेकिन भारत और पूरब के देशों की और भी कई सारी चीजें थी जिनका यूरोप में बोलबाला था, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं सब बाकी चीजों का व्यापार करती थी। कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम और सबसे अजीब चीज सॉल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में होता था। इससे एक मजेदार बात सामने आती है। आगे के आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे भारत के ही बारूद का, भारत के ही सिपाहियों का इस्तेमाल किया भारत पर ही कब्जा करने के लिए। आज भी यही चल रहा है। कहानी वही, किरदार नहीं। उसके लिए इन्होंने जगह जगह व्यापार के केंद्र बना रखे थे जिन्हें ये लोग फैक्ट्री कहते थे। तो आज हम फैक्ट्री शब्द से जो मतलब निकालते हैं, ये वो फैक्ट्री नहीं थी बल्कि एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करती थी जहां गोदाम, माल गोदाम, बाजार वगैरह हुआ करते थे। इसमें भारत से खरीदी हुई चीजें रखी जाती थी। अंग्रेजों ने इस तरह की कई फैक्ट्रियां भारत में जगह जगह खोल रखी थी, ट्रेडिंग पोस्ट बना रखे थे। पहली फैक्ट्री सन 1611 में मछलीपट्टनम में खोली गई। तब ये इलाका मुगलों के कब्जे में नहीं आता था, गोलकुंडा के कुतुब शाहियों के कब्जे में आता था। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री अगले साल सूरत में खोली गई। फिर एक के पीछे एक फैक्ट्रियों का सिलसिला चलता रहा। लगभग 100 साल तक इस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा, मोनोपोली रही। इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इसके लिए कई कारण भी थे, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये हुआ, 1600 से लगभग 100 साल तक, मतलब सन 1698 तक, इंग्लैंड में भारत से जो भी माल जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत जाता था। बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि इस फलते फूलते व्यापार को इंग्लैंड के बाकी व्यापारियों की नजर लग गई। उन्होंने भी अपनी अपनी कंपनियां बनाने की सोच जाहिर की, और 1698 में दूसरी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर खड़ी हो गई, जिसे इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कहा जाता था। लेकिन इस कंपनी का वजूद कोका कोला के सामने नींबू पानी के ठेले के बराबर ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी न किसी तरीके से हर तरह की मुसीबतों को पार करती हुई अपने एकाधिकार, मतलब मोनोपोली को, और आने वाले 100 साल से भी ज्यादा समय तक बचाने में कामयाब रही। और जैसे हम लाइसेंस या पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं, वैसे ही कंपनी की मोनोपोली को समय समय पर रिन्यू करवाया जाता था, उसका नवीनीकरण होता रहता था। जब कंपनी अपने आपे से बाहर जाने लगी तो ब्रिटेन की संसद ने 1773 में कंपनी पर नकेल कस दी, उसको रेगुलेट कर दिया। एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के मेन्यू लिस्ट में से लगभग सारे व्यंजन गायब कर दिए। अब उसकी मोनोपोली, उसका एकाधिकार केवल चीन से व्यापार और चाय तक ही सीमित रह गया था। इस कंपनी के कारनामों का ब्रिटेन और भारत पर क्या क्या असर पड़ा, कैसे कैसे कंपनी ने ब्रिटेन की तकदीर संवार दी और भारत की जमीन, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया से मिट्टी की गुड़िया कैसे बनी, ये हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। और यहां पर ये बात याद रखिएगा कि अभी हम सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। भारत में अंग्रेजों के राज के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सारे देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों की बात खत्म कर लेंगे, तब देखेंगे कि कैसे अंग्रेज दुकान से निकलकर सिंहासन पर जा बैठे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिस्ट्री गुरु को, और ये ईमेल आईडी भी लिख लीजिए। धन्यवाद।